Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that A, B, C, D and E attempted a quiz and based on marks, they received different ranks. That is rank 1, rank 2, rank 3, rank 4 and rank 5. Each one of them received a different rank, not necessarily in the same order as mentioned above. They all belong to three different categories among truth teller who always speaks the truth, liar who always lie and an alternator who alternates between truth and lie in any order. हमारे पास एक ट्रुथ टेलर है ओके okay. तो अगर आप देखेंगे तो बी मेरा ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता क्योंकि बी जो भी हमारा ट्रुथ टेलर होगा वो ऐसा स्टेटमेंट कभी भी नहीं दे सकता कि आई एम एन ऑल्टरनेटर ओके तो बी मेरा ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता सेम हमारा सी ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता क्योंकि वो भी हमारा सेम स्टेटमेंट दे रहा है आई एम एन स्टेटमेंटर और जो भी हमारा ट्रुथ टेलर होगा वो हमारा ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता कि आई एम लायर ओके तो ये तीनों हमारे ट्रुथ टेलर नहीं हो सकते तो अब हमारे ट्रुथ टेलर कौन हो सकता है आइदर ए और ई लेट्स टेलर है अब ई ट्रुथ टेलर है तो क्या बोला गया है आई एम आ ट्रुथ टेलर आई गॉट रैंक वन अब अगर आप बी का स्टेटमेंट देखेंगे तो बी क्या बोल रहा है आई एम नॉट रैंक्ड वन ओके ई की रैंक वन है और बी बोल रहा है आई एम नॉट रैंक्ड वन तो यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ध्यान से समझना आप ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो बी मेरा क्या बन जाएगा ट्रुथ टेलर जो कि पॉसिबल नहीं है ओके पहली चीज तो वहां से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें गिवन है ओनली वन ऑफ देम इज अ ट्रुथ टेलर और अगर आप इवन उसका अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे आई एम एन अल्टरनेटर तो कोई भी मेरा ट्रुथ टेलर कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि आई एम एन अल्टरनेटर ओके तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है ओके अ क्या इसका सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है लेट से अगर इसका सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम देख सकते हैं बी मेरा आप क्या बन जाएगा ऑल्टरनेटर क्योंकि उसका एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है पर अगर उसका दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो देखिए ये हमें क्या बोला गया है आई एम एन ऑल्टरनेटर और हमें पता है बी ऑल्टरनेटर है तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए था ओके okay? पर यहाँ पर ट्रू नहीं आ रहा है हमारा तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है तो हमारा ट्रुथ टेलर कौन होगा ए हमारा ट्रुथ टेलर होगा तो ये क्या बोल रहा है सी सी गॉट गॉट रैंक रैंक सो ओनली आई एम ट्रुथ टेलर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि बी का अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ना ही फॉल्स हो सकता है ना ही ट्रू हो सकता है ओके okay? ये दोनों ही केस हमारे पॉसिबल नहीं हो सकते

पॉसिबल नहीं है तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा अब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और क्या बोल रहा है बी आई एम नॉट रैंक्ड वन बी बोल रहा है आई एम नॉट रैंक्ड वन और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो बी की रैंक क्या होगी वन ई e का देखें आई एम अ ट्रुथ टेलर फॉल्स आई got rank वन ये भी फॉल्स क्योंकि रैंक वन किसका है ये बी का है ओके okay? तो ये मेरा क्या हो जाएगा लायर हो जाएगा अब देखिए कोई भी मेरा लायर क्या ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि आई एम अ लायर ओके ध्यान देना अगर इसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं ओके और ये हमारा क्या हो जाएगा लायर लायर अब अगर है ये ये तो इसका स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था आई एम अ लायर पर कोई भी हमारा लायर जो भी हमारा लायर है उसका हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता ओके okay? उसके कोई भी स्टेटमेंट हमारे ट्रू नहीं हो सकते तो डी हमारा लायर भी पॉसिबल नहीं है ट्रुथ टेलर भी पॉसिबल नहीं है तो डी हमारा क्या होगा ऑल्टरनेटर अब डी ऑल्टरनेटर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता आई एम अ लायर ओके ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि देखिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो ये क्या बन जाता मेरा लायर बन जाता जो कि पॉसिबल नहीं है ओके okay, तो ए गॉट रैंक थ्री ए की रैंक आ जाएगी थ्री फोर और फाइव रैंक मेरा यहां पर आ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में बी देखिए बी का क्या है आई एम एन ऑल्टरनेटर अगर ये स्टेटमेंट मैं ट्रू कर दूं तो यस yes, ये हमारा ऑल्टरनेटर बन जाएगा ये स्टेटमेंट अगर मैं फॉल्स कर दूं तो ये मेरा लायर बन जाएगा तो लायर एंड ऑल्टरनेटर दोनों पॉसिबल है सेम देखिए ए इज नॉट अ ट्रुथ टेलर ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमें पता है ए इज अ ट्रुथ टेलर ओके ए इज नॉट अ तो स्टेलर तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है सेम हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है आई एम एन अल्टरनेटर सेम हमारा ये फॉल्स भी हो सकता है तो ये भी हमारा लायर एंड अल्टरनेटर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं आप हु अमंग देम गॉट रैंक 1 रैंक 1 किसका है हमारे पास बी का तो ऑप्शन नंबर थ्री हु इज डेफिनेटली अ लायर डेफिनेटली अ लायर आप देख सकते हैं ई e, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली गॉट रैंक 4 रैंक फॉर आइदर डी और ई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हु इज ट्रुथ ट्रुथ टेलर टेलर कौन है हमारा ए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू तो गाय यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है बहुत ही ईजी सेट था ओके सिंपल हमें केस बनाना था अपना जो भी हमारा ट्रुथ टेलर है कभी भी हमारे पास इस तरह से सेट आए तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं थैंक यू गायस एंड हैप्पी लर्निंग